drop it. हेलो फ्रेंड्स, सो वी वेट द अंदाज वीडियो। तो आज का हमारा जो वीडियो होगा वो जो टॉपिक होगा वो होगा 10th क्लास रिलेटेड। अब जो 10th क्लास में जो पेपर आने वाले साइंस वन के महाराष्ट्र बोर्ड के, ठीक है, तो उसमें जो तुम्हारे जो 10 लेसन है, जैसे 10 लेसन, अब उस 10 लेसन को किस तरह से वेटेज, मतलब हर लेसन में से कितने कितने मार्क्स के लिए एवरी ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट की, मतलब जो एग्जाम में होने वाले, ठीक है, महाराष्ट्र जो बोर्ड लेती है उनकी तरफ से कुछ डिसाइड किया गया, उसमें से उतने मार्क्स से कन्फर्म क्वेश्चन आने ही, ठीक है। ये हम लोग पूरा वीडियो देखे, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिन्होंने किया है थैंक यू सो मच। मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत शॉर्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूं, कौन से लेसन से क्या कौन सा क्वेश्चन एक्सपेक्ट हो सकता है। तो चलो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले लेसन तुम्हारा ग्रेविटेशन, वो तुम्हारा विदाउट ऑप्शन 3 मार्क्स और विथ ऑप्शन 5 मार्क्स, ठीक है। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हो सके तो आपकी टेस्ट बुक में इसको टिक कर लेना। देन नेक्स्ट सेकंड लेसन थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन इज 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन और विद ऑप्शन 6 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट लेसन नंबर 3 केमिकल रिएक्शन इन द इक्वेशन, ये तुमको देगा 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन और विद ऑप्शन लोगे तो 6 मार्क्स। तो इससे हमको पता चले यार कौन से चैप्टर में से ज्यादा आएगा, तो चैप्टर को पहले हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे अच्छे से, मतलब याद क्या होता है उसको ज्यादा से रिवाइज करेंगे। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 5 of 7, अब देखो ये लेसन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, बिकॉज 5 मार्क्स आने ही आने और विथ ऑप्शन 7 मार्क्स। हीट 3 और 5, मतलब 3 मार्क्स का लिख आएगा ही, इसमें से ऑप्शन के साथ में देखेंगे तो 5 मार्क्स। देन रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, ये भी लेसन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ता है, बिकॉज 7 मार्क्स आपको दे सकता है और विथ ऑप्शन 7 विदाउट ऑप्शन 5। लेंसेज 4 और 6, 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन और विथ ऑप्शन लेंगे तो हम लोग 6 मार्क्स, ठीक है। देन मेटलर्जी 4 और 6, कार्बन कंपाउंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड एग्जाम, बिकॉज इट कैरीज 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड विद ऑप्शन यू विल गेट 7 मार्क्स, अगर आप पूरे लेसन अच्छे से पढ़ते। लास्ट लेसन स्पेस मिशन 5 और 3, मतलब विदाउट ऑप्शन 3 मार्क्स एंड विद ऑप्शन 5। इस तरह से आपके होते हैं ये 40 मार्क्स एंड इट बिकम 60 मार्क्स। अगर आप देख लो आपको कौन से चैप्टर ज्यादा पढ़ोगे तो 7, 7, 7, ये तो होगा तुम्हारे 21, इसके बाद में 2 चैप्टर और पढ़ लो सेकंड, और ये इसी लेंसेज का बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हो गए तुम्हारे 21 और 33 मार्क्स। 5 लेसन पढ़ोगे ना 5, 37 मार्क्स हो जाएगा, 33 मार्क्स। अब देखो तुम्हारे पास में इस तरह से ऑप्शन से आप कौन से लेसन में से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो ये लेसन थोड़ा अच्छे से करने की कोशिश करना। 6 और 7 13, 13 और 7 20, 20 26, 26 और 7 33 मार्क्स। यार लेसन अगर छोड़ देते 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 लेसन भी एकदम अच्छे से करते हो तो आपको 33 मार्क्स मिल सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसको भूलो मत, इसके हिसाब से आपको लेसन को और थोड़ा सा पक्का कर लो, ठीक है। और जो चीज डायग्राम, ये लेसन में से तो समझो इलेक्ट्रिक मोटर का आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, लेंसेस में से कॉन्केव लेंस, कन्वेक्स लेंस, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हाईलाइट की हुई, जो टेस्ट में ब्लैक ब्लैक होता है, जो ज्यादा हाईलाइट की हुई, तो इसको ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन आंसर पढ़ के यूज नहीं है, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। आप साइंस में आंसर की लेंथ मत देखना, आपको रीजन बताने आना चाहिए वो क्या चीज है। साइंस में लेंथ का मार्क्स नहीं होता है, कंसेप्ट क्लियर का मार्क्स होता है, ठीक है। तो ये आपके पास में था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर फॉर द साइंस ऑन बोर्ड एग्जाम 10th क्लास 2020 के लिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।